हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वापस से एक आरपीएससी का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसका आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उर्दू और चित्रकला की कट ऑफ के लिए। उसके बाद में भी जो अलग सब्जेक्ट है उनका भी वीडियो यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आज आपके लिए जो है यहाँ पर चित्रकला और उर्दू के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू के लिए किन किन कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा सकता है, यानी कि संभावित जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी वो केवल पिछले एग्जाम के आधार पर, यहाँ पर अनुमान के आधार पर ही बताई जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो दिखा देता हूँ। ये अभी की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो पद है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उनके जो पद है वो एक बार यहाँ पर वापस से बता दूँ, वो देख लो एक बार। तो दोस्तों, उर्दू के यहाँ पर 24 पद आए थे इस बार। और दोस्तों, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग है उसके यहाँ पर लगभग 35 जो पोस्टें थी वो यहाँ पर आई थी। तो दोस्तों, दोनों पोस्टें आपने यहाँ पर देख ली है। अब दोस्तों, मैं आपको वो जो कट ऑफ है वो एक बार दिखा देता हूँ। और उससे पहले एक बार मैं आपको जो पिछली भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिछली वैकेंसी आई थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, यानी कि 2020 में उसका नोटिफिकेशन है, उसमें कुल कितनी पोस्ट आई थी वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि उर्दू की यहाँ पर जो है लगभग 5 पोस्टें यहाँ पर आई थी। यानी कि दोस्तों, उर्दू की इस बार कितनी आई है, 24 पोस्टें आई है। और पिछली बार कितनी आई थी, केवल और केवल 5 पोस्टें यहाँ पर आई थी। और दोस्तों, यहाँ पर जो ड्राइंग एंड पेंटिंग है उसकी इस बार जो है 35 पोस्टें आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर पिछली बार 10 ही पोस्टें यहाँ पर आई थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितनी कम उस समय यहाँ पर पोस्टें थी और उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ गया था और इस बार क्या जाने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो उर्दू का रिजल्ट है वो पिछली बार क्या रहा था और इस बार उसका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये 2022 में ये कट ऑफ जारी किया गया था, 2020 की ये भर्ती है। इसमें दोस्तों टोटल 25 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। दोस्तों, यहाँ पर 5 पोस्टों के लिए 25 कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और दोस्तों, इसका कट ऑफ क्या गया था वो मैं आपको बता दूं, यानी कि 5 पोस्टों के लिए ये जो कट ऑफ है वो क्या गया था, आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, ये जो कट ऑफ है आपका, यानी कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 130 पे गया था, यानी कि 130.90 पर यहाँ पर जनरल के जो कैंडिडेट है, चाहे वो वीमेन है चाहे वो पुरुष है, दोनों का समान गया था इंटरव्यू के लिए। और ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पर 130.90 यहाँ पर गया था। साथ ही दोस्तों, जो पीएचए और जो एचआई है उसके लिए 93.35 जो मार्क्स है वो जो कैंडिडेट लाए थे वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर पास हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इस बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर 24 पोस्टें आई है और पिछली बार 5 ही थी। तो दोस्तों, 5 पोस्टों के लिए 25 कैंडिडेट का ये कट ऑफ रहा था और इस बार जो 24 पोस्टें आई है उसके लिए लगभग, अगर अपन मान के चले तो लगभग 100 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लगभग बता रहा हूँ दोस्तों ये। और दोस्तों, यहाँ पर जो जनरल का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जो है 130 गया है पिछली बार, तो इस बार दोस्तों ये जो कट ऑफ है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है 115 रहने वाला है। यानी कि दोस्तों, ये 110 से लेकर के 115 का जो कट ऑफ है वो जनरल का रहने वाला है, चाहे वो वीमेन है चाहे वो पुरुष है। और साथ ही दोस्तों, जो ओबीसी का जो कट ऑफ है, यानी कि जो ओबीसी का कट ऑफ है वो अब की बार दोस्तों 105 से लेकर के 115 के बीच में यहाँ पर रहने वाला है। ये दोस्तों आपके ओबीसी का कट ऑफ है, यानी कि इंटरव्यू के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको जो चित्रकला है उसका बता देता हूँ, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग का। इस बार यहाँ पर जो है दोस्तों, इसमें 35 जो पोस्टें हैं वो आई है। कितनी आई है दोस्तों, यहाँ पर 35 पोस्टें, और पिछली बार कितनी आई थी, केवल 10। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि 35 जो पोस्टें हैं उसके लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो क्या जारी किया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो 10 पोस्टों के लिए पिछली बार जो है लगभग 70 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर 7 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया इंटरव्यू में, यानी कि ड्राइंग में। और दोस्तों, उर्दू में कितना गुना बुलाया गया था, ओनली फॉर 5 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया गया, और यहाँ पर 7 गुना कैंडिडेट, यानी कि 10 के 70 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया। तो इस बार भी दोस्तों, आप कम से कम 6 से 8 गुना के अंदर या 7 गुना के अंदर मान सकते हो कि बुलाया जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको चित्रकला के लिए बता दूँ कि यहाँ पर जो जनरल के जो कैंडिडेट है इस बार वो कितने नंबर वाले इसमें इंटरव्यू के लिए पास हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो जनरल है उसमें पिछली बार 108.33 यहाँ पर रहा था, यानी कि दोस्तों सभी कैटेगरियों में ये कट ऑफ रहा था पिछली बार 108.33। यानी कि दोस्तों, ये जो नंबर बन रहे थे वो है, ये परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ये केवल नंबर है 200 में से, और जो इंटरव्यू के नंबर है वो अलग है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस बार जो कैंडिडेट, यानी कि जो जनरल का कैंडिडेट है, उसके
यहाँ पर जो आने के जो पास है वो इंटरव्यू में पास होने के जो चांस है दोस्तों वो यहाँ पर 95 से लेकर के 105 तक यहाँ पर जो जनरल के कैंडिडेट है वो यहाँ पर पास होने के चांस है इंटरव्यू के लिए। और साथ ही दोस्तों जो EWS का है वो एक दो नंबर इससे कम रहने वाला है, यानी कि दोस्तों अगर अपन माने तो यहाँ पर 95 से लेकर यहाँ 102 के बीच में यहाँ पर जो EWS का है वो यहाँ पर रहने वाला है। और दोस्तों अब मैं बता दूँ जो SC ST है इसमें दोस्तों इस बार ये 90 के अंदर रहने वाला है, यानी कि SC और ST के अंदर जो है इन दोनों में ये 85 से लेकर के 90 के बीच में इनका जो कट ऑफ है वो इस बार रहने वाला है। ये दोस्तों चित्रकला का बता रहा हूँ मैं। अब दोस्तों जो OBC है, OBC में 108.33 है, तो दोस्तों इसका भी यहाँ पर जो है 95 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पर OBC कैंडिडेट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो रहने वाला है, इससे कम नहीं जाएगा और इससे ज़्यादा जाने के चांस भी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों ये मैं बता दूं, दोस्तों इस बार जो चित्रकला का जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड था। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जो PH कैटेगरी है उसमें दोस्तों यहाँ पर 40 से 45 के बीच में यहाँ पर रहने वाला है, और जो HI कैटेगरी है वो 18 यानी कि 15 के करीब यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों ये कट ऑफ इस बार रहने वाला है। और जो मैंने पोल करवाए थे यानी कि MKN अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, इस पर जो पोल करवाया था वो आपके सामने है, यानी कि दोस्तों ये उर्दू का पोल है जो 4 दिन के अंदर यहाँ पर कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर पोलिंग में भाग लिया वो मैं बता दूं। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग 107 कैंडिडेट ने यहाँ पर पोल किया है, जिसमें दोस्तों 140 से 150 के बीच में जो है 22% जो कैंडिडेट है उन्होंने पोल किया है, 130 से 140 के बीच में 11% ने, और 120 से 130 के बीच में यहाँ पर जो है 17% कैंडिडेट ने, और 110 से 120 के बीच में यहाँ पर 16% जो कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पर पोल में भाग लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर 100 से 110 के बीच में भी 34% यानी कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर भाग लिया है। और दोस्तों ये जो कट ऑफ है उर्दू का वो अब की बार आप चाहे जनरल का हो चाहे OBC का हो वो इसी के बीच में रहने वाला है, यानी कि दोस्तों 100 से 120 ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो चित्रकला है उसमें कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर भाग लिया है, ये दोस्तों एक ही दिन का पोल है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ चित्रकला में, इसमें दोस्तों यहाँ पर मैंने 90 से नंबर रखा है क्योंकि इसमें कम जाएगा। तो दोस्तों इसमें 16% ने जो है 90 से 100 के अंदर यहाँ पर भाग लिया है, और 100 से 110 में 19% ने जवाब दिया है, और 110 से 120 के बीच में 19%, और 120 से 130 के बीच में यहाँ पर 3% कैंडिडेट ने यहाँ पर भाग लिया है, और साथ ही 130 से 140 के बीच में 44% कैंडिडेट ने यहाँ पर भाग लिया है। इसमें 32 वोट पड़े हैं, एक दिन का ये पोल है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, आपने उर्दू में भी देखा होगा कि जो 130 से 40 या 140 से 150 के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर भाग ले रहे हैं, तो दोस्तों इनके भाग लेने से कुछ नहीं होता है क्योंकि सभी कैंडिडेट अपना अपना नंबर ज़्यादा जोड़ के रखते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो वो पीछे रह जाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे इतने नंबर आए थे, इतने बने थे, और इतना ही इतना सा ही कट ऑफ गया है, मेरे नंबर कम कैसे हैं। तो दोस्तों सभी कैंडिडेट अपना अपना नंबर ज़्यादा जोड़ के रखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको बता दिया है उर्दू में 100 से 120 के अंदर जाएगा, और दोस्तों चित्रकला में 90 से लेकर के 110 के बीच में यहाँ पर इस बार कट ऑफ रहने वाला है। ये दोस्तों मैं हाईएस्ट 110 बता रहा हूँ चित्रकला में, 10 से नीचे ही रहेगा क्योंकि दोस्तों पिछली बार ये 108 के करीब गया था, तो इस बार तो हो सकता है कि 100 के अंदर ही जाए। और उर्दू का जो दोस्तों 120 भी मैंने आपको फिर भी ज़्यादा बताया है, ये दोस्तों आपका कट ऑफ था उर्दू का और चित्रकला का, और बाकी के जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसका भी जो कट ऑफ है वो जल्दी से लेके आया जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।